Om Shanti. 5th February 1972. एक सेकंड में अपने को अपने संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो. संपूर्ण निशाना क्या है उसको तो जानते हो ना. जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है. अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा. निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा. तो ऐसा नशा सदैव रहता है. जो स्वयं नशे में रहते हैं वो दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं. जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उसकी चलन से उसके नैन चैन से कोई भी जान लेते हैं इसने नशा पिया हुआ है. इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई तो देगा ना. दूर से ही वह अवस्था इतनी महसूस करे. यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं हैं ऐसे अपने को महसूस करते हो. जैसे आप कहां भी आते जाते हो तो लोग देखने से ही समझे कि यह कोई प्रभु की प्यारी न्यारी आत्माएं हैं ऐसे अनुभव करते हैं. भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती है. उन्हों के नयन चैन से प्रभु प्रेमी देखने आते हैं. तो ऐसी स्थिति इसी दुनिया में रहते हुए ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी या सिर्फ लास्ट में दर्शनीय दर्शन मूर्त की यह स्टेज होगी. तो अव्यक्त मुरली है 72 की. क्या सुना? एक सेकंड में अपने को संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो. संपूर्ण निशाना क्या है उसको तो जानते ही हो. जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हो तो क्या होता है नशा भी रहता है. अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा. निशाने पर स्थित होने वाले की निशानी है नशा. जो स्वयं नशे में रहते हैं वो क्या करेंगे दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं. जो स्वयं कारण शब्द से मुक्त नहीं वो दूसरों को भी कारण शब्द से मुक्त नहीं कर सकते. जो स्वयं कारण में फंसे हुए हैं वो दूसरों को भी निवारण नहीं दे सकते. तो जैसे कोई हद का नशा पीता है तो क्या होता है. दो उदाहरण दिए हैं बाबा ने यहां पर नशे को समझाने के लिए. पहला उदाहरण है संसार के वो लोग जो नशा करते हैं जो ड्रिंक्स पीते हैं दारू पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं. और दूसरे वो भगत आत्माएं वो भी परमात्मा प्रेम के नशे में लीन रहती है. ये दो उदाहरण है. एक प्रश्न है कि नशा व्यक्ति को कब चढ़ता है. इंटॉक्सिकेशन कब होता है संसार में क्या करते हैं तो नशा चढ़ता है. एक तो ज्यादा लिया जाए कब चढ़ता है नशा. जब क्वांटिटी ज्यादा हो तो डोज ज्यादा चाहिए नशे के लिए. थोड़ा सा पी लिया तो नशा चढ़ता है क्या. क्वांटिटी ज्यादा
दूसरा नशा कब चढ़ता है, कई बार लो तो, एक बार लेने से नहीं, मल्टीपल टाइम, फ्रीक्वेंसी, एक है उसका अमाउंट, दूसरा है फ्रीक्वेंसी अर्थात कितनी बार लिया जा रहा है। थोड़ा सा पी लिया और हो गया तो नशा चढ़ता है, ज्यादा बार लेना पड़ेगा, ज्यादा तादाद में लेना पड़ेगा और ज्यादा बार लेना पड़ेगा। दूसरा तीसरा नशा कब चढ़ता है, कोई कुछ पी रहा है, ड्रिंक, दारू, बियर, कुछ भी, नशा कब चढ़ेगा। नीड सॉल्यूशन, नीड सॉल्यूशन अर्थात डाइल्यूटेड ना हो, प्योर। अगर बहुत डाइल्यूट कर दिया हो तो नशा चढ़ेगा ना, नीड सॉल्यूशन। चौथा नशा कब चढ़ता है, अगर केवल और केवल वो चीज ली जाए, अगर उसके साथ बहुत सारी दूसरी भी चीजें अगर ले व्यक्ति तो नशा नहीं चढ़ेगा, केवल वही चीज ली जानी चाहिए। और पांचवा, जब व्यक्ति ग्रुप में लेता है तो ज्यादा नशा चढ़ता है, ड्रिंक्स टेकन इन ग्रुप्स। अकेला ले तो इतना नशा नहीं चढ़ता है, ग्रुप में अगर ले तो थोड़ा सा ज्यादा नशा चढ़ता है। तो यहां बाबा किस नशे की बात कर रहे हैं, रूहानी नशा, रूहानी फकूर। बाप ने तुम्हें सारे खजाने दे दिए हैं, कल की मुरली सुनी ना, आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा किसको देख रहे हैं, सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। एक जगह कहा है कि बाबा सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं और दूसरी जगह कहा है बाप चाहते हैं समय प्रमाण कि सभी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो जाए। क्या हाँ, वो तो पूरी मुरली है, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो एक जगह कहा है कि खजाने से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, दूसरी जगह कहा है समय प्रमाण सबको खजाने से संपन्न बनना है, तो है भी और बनना भी है, दोनों चीजें आ गई। तो सबको खजाने समान मिले फिर भी सबके पास अलग अलग है, और ये खजाने अविनाशी खजाने हैं, ये खजाने एक जन्म नहीं जन्म जन्म चलने वाले हैं, और जिसके पास ये खजाने होते हैं वो कैसा होता है, भरपूर होता है, तृप्त होता है, उसके चलन और चेहरे से क्या हो जाता है पता चल जाता है, क्या रहता है, रूहानी नशा रहता है, रूहानी फकूर रहता है उसके चलन और चेहरे में। कोई फिक्र नहीं होती, इसलिए क्या होता है वो बेफिक्र बादशाह, स्वप्न में भी कोई फिक्र नहीं। बेफिक्र बादशाह की निशानी, जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छे ते अच्छा। इसलिए अपने दिल दर्पण में क्या करो, चेक करो कि ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हैं, ऐसे सर्व खजानों के मालिक बने हैं, ऐसे बालक सो मालिक बच्चे बने हैं। अपने दिल दर्पण में चेक करो। तो इतनी बातें थी खजानों के बारे में, फिर बहुत सारी चर्चा थी कि इन खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है। विधि है निमित्त और निर्माण भाव। इन खजानों को खोलने की चाबी कौन सी है, चाबी है तीन बिंदिया। और तीन प्रकार के खाते कौन से हैं, स्वपुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता कैसे बढ़ाएंगे, स्वयं को संतुष्ट और दूसरों को संतुष्ट, और पुण्य का खाता कैसे बढ़ाएंगे,
निस्वार्थ सेवा और बेहद का भाव, निस्वार्थ और बेहद का भाव, भावना, वृत्ति, इन सब से दुआओं का खाता बढ़ाएंगे, पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे, स्व पुरुषार्थ का खाता बढ़ाएंगे, निमित्त भाव से बढ़ाएंगे, निर्माण भाव से बढ़ाएंगे, तीन बिंदियां लगाकर बढ़ाएंगे। ये सारी अलग अलग जगह अलग अलग विधियां बताई किसकी, खजानों को बढ़ाने की। तो क्या सुना यहां पर, एक है निशाना, एक है नशा। अगर निशाने पर स्थित है तो नशा रहेगा, अगर निशाने पर स्थित नहीं तो नशा नहीं। निशाना अर्थात लक्ष्य, निशाना अर्थात एम, निशाना अर्थात टारगेट, निशाना अर्थात एम ऑब्जेक्ट, ये बनना है। इसकी स्मृति यदि बार बार है तो नशा है, यदि स्मृति भूल गई तो नशा नहीं, दिशाहीन चल रहा है व्यक्ति, लक्ष्य नहीं उसको, वो पता नहीं कहां पहुंचना है, चाहे जीवन में, चाहे किसी क्षेत्र में, चाहे स्थूल रास्ते में, पता नहीं जाना कहां है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जीवन में एक वर्णन है, जो कि बहुत बड़े लेखक थे, वो किसी ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो टिकट टीसी आता है और पूछता है टिकट कहाँ है, तो वो टिकट ढूंढने लगते हैं, थोड़े बूढ़े हो रहते हैं तो बैग खोलते हैं, नहीं मिलती है, सारे कपड़े देखते हैं, जेब चेक करते हैं, सब जगह देखते हैं, 5-10 मिनट वो टीसी देखते रहता है क्या कर रहे हैं, फिर कहता है कि छोड़ो जाने दो, मैं जानता हूँ आप कौन हो, आपको तो सारी दुनिया जानती है, आप इतने प्रसिद्ध हो, नहीं भी मिली तो कोई हर्ज नहीं, आपके आपने ली तो होगी ही जरूर, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप ये हो। तो वो कहता है मैं उसके लिए थोड़ी ढूंढ रहा हूं, क्योंकि कहां जाना है वो उसके ऊपर लिखा है, ये मुझे पता ही नहीं जाना कहां है, जाना कहां है वो टिकट के ऊपर लिखा है, इसके लिए मैं टिकट को ढूंढ रहा हूं। व्यक्ति जा कहां रहा है वही उसको पता नहीं, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पुरुषार्थ या जो कुछ भी कर रहा है, जीवन की यात्रा, करियर की यात्रा, रास्ते की यात्रा, पुरुषार्थ की यात्रा, कर्मों की यात्रा, सारी यात्राओं में लक्ष्य जब तक पता नहीं तब तक नशा भी नहीं। तो यहां बाबा क्या कह रहे हैं, निशाना उसमें स्थित हो जाओ और फिर नशा चढ़ेगा। उदाहरण दिए दो, एक तो संसार के वो लोग जो नशा करते हैं, तो नशा कब चढ़ता है, 5 चीजें जब होती है तब, पहली बताई जब क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, डोज ज्यादा चाहिए, अभी जितना डोज आत्मा को दिया जा रहा है वो कम है, इसके लिए नशा नहीं चढ़ रहा है उसको, तो डोज बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैसे क्वांटिटी कैसे बढ़ाएंगे, क्या ज्यादा चिंतन से, ज्यादा मनन से, ज्यादा अध्ययन से, अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ब्राह्मणों का छूट गया है, ब्राह्मण मुरली सुनते हैं और मुरली लिखते हैं, ये दो चीजें करते हैं, एक होता है अध्ययन, स्टडी, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, वो दिनचर्या बनी हुई है ना, सब जगह लिखी है, जो यज्ञ की दिनचर्या, इतने बजे उठना, इतने बजे मुरली, फिर व्यायाम, फिर नाश्ता, उसमें दोपहर का टाइम देखो किस लिए लिखा है किसी के पास वो चार्ट, दोपहर का टाइम लिखा हुआ है स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। एक होता है क्लास स्टडी, मुरली क्लास में गए वहां स्टडी की, एक होता है रूम स्टडी, सेल्फ स्टडी, होमवर्क, एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क। तो
होमवर्क, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, चिंतन, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं नशा चढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम है, जितना लेना चाहिए रूहानी शराब वो कम है, थोड़ी थोड़ा सा ले लिया, मुरली सुन ली और संतुष्ट, और बहुत सारी चीजें हैं जानने की, समझने की, उसी मुरली की गहराई तक पहुंचने की। मुरली से कितनी सारी चिंतन बिंदु है, कैसे दिल्ली को सोने की, क्या सोने की दिल्ली बनाए, चिंतन का विषय, कल कहा ना गड़बड़, खिटपिट, गड़बड़, सड़बड़, कहा ना बाबा ने, अमर भव का वरदान फर्स्ट टाइमर्स कैसे धारण करे, अमर आत्मा हूं, अमर बाप की संतान हूं, अमरनाथ की संतान हूं, अमर पद पाने वाली हूं, अमृत वेले के बाद, इस पर सोचो फर्स्ट टाइमर्स, जो पहली बार आए थे उनके लिए, डबल फॉरेनर्स, ब्राह्मण कल्चर क्या है, ये ब्राह्मण कल्चर कौन कौन सी बातें हैं इस ब्राह्मण कल्चर में, सोचने की पॉइंट्स है, ये चिंतनीय विषय है सारे। यज्ञ सेवा का पुण्य, दिल्ली से मुलाकात, भगवान का परिवार, दो चीजें मिलती हैं यहां पर, सब इकट्ठा हुए हैं, दादी परदा, दादी महारथी सारे, और तीसरा दिल्ली को सोने की दिल्ली बनाओ, एक एक ग्रुप में एक एक चिंतन बिंदु है, कितना हमने उसके बारे में सोचा है। आवाज सुनो, हे मुक्तिदाता, दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनो, पहले स्वयं को कारण से मुक्त करो, कारण एक शब्द है, कितना सस्पेंस क्रिएट किया है बाबा ने, पहले तैयार हो, एक ऐसा शब्द है जिसके वजह से क्या हो रहा है, पुरुषार्थ में बंधन है, एक ऐसा शब्द है जिसके वजह से क्या हो रहा है, अलबेलापन आ रहा है, एक ऐसा शब्द है जिससे निवारण नहीं हो रहा है, वो है कारण, रीजंस, और इस एक शब्द के और तीन साथी बताए, कौन से, ऐसे वैसे कैसे, ये जब तक साथी है तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सूक्ष्म साइकोलॉजी की एक बात कही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में जो बताई जाती है, कारण को सामने रखने से या सोचने से निवारण नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इस वस्तु के वजह से, इस व्यक्ति के वजह से, इस स्थान की वजह से, इस परिस्थिति के वजह से कारण आ रहे हैं और उसी के बारे में सोचा जा रहा है, इससे वो सॉल्व नहीं होगा, कारण को निवारण करो, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, नशा चढ़ने के लिए, रूहानी नशा, रूहानी फकूर, रूहानी खुमारी, इलाही मस्ती, नारायणी नशा चढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन के लिए क्या चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा, इसके लिए खाली मुरली काफी नहीं है, साकार मुरली, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, एक यज्ञ की लिटरेचर की बुक्स, ज्ञानामृत, प्यूरिटी मैगजीन्स, वर्ल्ड रिन्यूअल सारी मैगजीन्स, अनुभवों की किताबें, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का अध्ययन, ये सब कुछ आवश्यक है, तो ही डोज बढ़ेगा। तो पहला डोज को बढ़ाना है, दूसरा क्या बताया, नशा चढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी, एक बार सुबह कर लिया चिंतन, मुरली पढ़ ली, सुन ली और काम पूरा हुआ सारे दिन भर का, ऐसे नहीं चलेगा, नए पॉइंट्स क्या थे, चिंतनीय बिंदु क्या थे, वो तो खाली एक सुबह जो सुना
वो एक रॉ मटेरियल मिला था सोचने के लिए. अब इसका विस्तार दिन भर में करना है. सुबह जो मिला एक रॉ मटेरियल था, मैं जो सुनाता हूं बस वही सुनो, अच्छा ना, और किसी का नहीं सुनो. ये एक लाइन थी. वो आसुरी संबंध में अब हम नहीं है, एक लाइन थी मुरली में कहीं. एक्सट्रैक्ट करना है उसको, वहां से खींच कर निकालना है और अलग करना है. ये मुरली है, इसमें 10 बातें हैं, उस एक पॉइंट को वहां से निकालना, इसको बाजू रखो, अब इसको देखना और फिर इसका विस्तार करना. कब कब करेंगे? केवल सुबह नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है. कब कब करेंगे? सुबह अमृत वेले के बाद पहला तो, मुरली सुनते समय तीसरा मुरली के तुरंत बाद, चौथा दोपहर में, पांचवा शाम को और छठवा रात को सोने से पहले. कई बार ज्ञान के भिन्न भिन्न बिंदु लेना और उनका चिंतन करना. तो क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है. दूसरा, तीसरा, नशा चढ़ने के लिए क्या चाहिए? नीट सॉल्यूशन. नीट सॉल्यूशन अर्थात डाइल्यूटेड नहीं चाहिए, नीट सॉल्यूशन. सबसे ज्यादा नीट सॉल्यूशन है अव्यक्त मुरलिया. थोड़ा सा ही पढ़ना, बहुत नहीं, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा पढ़ना, परंतु सोचना ज्यादा, चिंतन ज्यादा करना, मनन ज्यादा करना, मंथन ज्यादा करना, स्वयं से बातें ज्यादा करना. क्रिश्चियनिटी में कहते हैं पश्चाताप ऐसी चीज है, रिपेंटेंस. हर दिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, एक एक दिन के लिए, कि आज सारे दिन भर में कोई गलती तो नहीं हुई. सोचो, आज मैंने बाबा मम्मा मिसल सेवा की, आज सुबह की मुरली साकार. उचते उच सेवा कौन सी है प्रभाकर भाई? आप समान बनाना, दूसरों को आप समान बनाना, यह है उचते उच सर्विस. आज आया है सुबह, तो रोज रोज करने की आवश्यकता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई. अगर हुई है तो उसकी महसूसता, क्यों, कहां, किस कारण से हुई है, कैसे उसको ठीक करें या ठीक करा जा सकता है. तो तीसरा, नीट सॉल्यूशन. नीट सॉल्यूशन के लिए अपनी एक अलग सीरीज चालू करके रखना है. जैसे अभी हम यहां ये पश्चाताप की सीरीज चालू कर रहे हैं, तो हर एक अपना ही इसको पढ़ना चालू करे. जो यहां पढ़ा जाएगा वो पहले ही पढ़ के आना है, पहले ही उसके विषय में सोच के आना है, या फिर कोई भी दूसरी किताब ले लो. हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी अव्यक्त वाणी पढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ी होती है, कभी 6 पेज कभी 8 पेज की होती है. अच्छा है कि इस तरह की छोटी छोटी बुक्स लेके कोई एक अपनी एक व्यक्तिगत सीरीज चालू रखनी है. रात को जैसे टीचर्स की बुक है, या ब्राह्मण परिवार की एक बुक है, या धर्मराज की एक किताब है, ऐसी बहुत सारी है, ढेर सारी. तो वो एक किताब अपनी अलग से रखी रहे और उसका एक अपना टाइम हो, उसी टाइम पर वो पढ़नी है रोज. जैसे सोने से पहले हमारी सीरीज चालू है धर्मराज, तो हम उस किताब को वहीं रख दिए, सोने से पहले पढ़ा और वहीं, कोई और दूसरे टाइम उसको नहीं पढ़ना, केवल रात में. तो नीट सॉल्यूशन, अनडाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अनएडल्ट्रेटेड, अनकंटेमिनेटेड, जिसमें ऐसा कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है, ऐसी विशुद्ध, वह पेय हो. तो नीट सॉल्यूशन हो, नीट सॉल्यूशन ही पीते रहना. चौथा बताया, चौथा क्या? उसके साथ और बहुत सारी चीजें अगर ले ली तो ये लेने की इच्छा नहीं होगी. संसार का व्यर्थ विकार
नेगेटिव संसार के चीप एंटरटेनमेंट ये साथ साथ अगर लिया तो इसका नशा नहीं चढ़ेगा। फिर आज कहा ना सुबह की मुरली में, यह रूहानी विद्या है। आगे साकार मुरली आज की, यह रूहानी विद्या है कॉमा, आगे एक लाइन है, बहुत पावरफुल पॉइंट है, यह रूहानी विद्या है आगे, ब्रह्मचर्य में ही इसे धारण किया जा सकता है, बिना ब्रह्मचर्य के इस रूहानी विद्या को धारण नहीं कर सकते। तो इसके साथ और बाकी चीजें मिक्स नहीं चाहिए, पवित्रता में ही इस विद्या को धारण किया जा सकता है, ये चौथा। और पांचवा, ग्रुप्स में शराब जब ग्रुप्स में पीते हैं तो ज्यादा ही नशा चढ़ता है, चर्चा संगठन में क्या हो, चर्चा कहां हो, संगठन में चर्चा हो, एक तरफा नहीं, सब उसमें इन्वॉल्व हो, सब उसमें कुछ ना कुछ भाग ले। तो ऐसी पांच चीजें चाहिए तो क्या होगा, फिर नशा चढ़ेगा। अब दूसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति बहुत पी लेता है और जिसको नशा चढ़ जाता है उसके क्या क्या लक्षण है, उसका पहले कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, संभलता है, फिर अपने आप से बात करता है, चिल्लाता है, झगड़ता है, गालियां भी देता है कभी कभी, और क्या करता है, दुख दर्द भूला हुआ रहता है। अच्छा, और देह की भी भान भूला हुआ रहता है, देह का भान, गाना गाता है और क्या करता है, पूरा बाहर निकालता है, सच बात बोल देता है अंदर की सारी, कुछ भी छिपाता नहीं है, और हाँ कहीं पे भी गिर जाता है, और आंखें लाल लाल और खुश, और क्या क्या होता है, डिल्यूजन्स, राजा समझता है, बड़ा समझता है, सोशल इनहिबिशन जो होता है वो निकल जाता है, डरता नहीं है किसी से, और साइंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ये मेडिकल प्रश्न है वैसे तो, इररिलेवेंट टॉक्स, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, साहस आ जाता है एक अजीब सा, वैसे नहीं रे करेगा वो, पर उस हालत में किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो सकता है वो, किसी से निर्भीक हो जाता है, निडर, और उठाता है और गिराता भी है, दोनों चीजें हैं, उसके हाथ से वो जाम जो होता है वो गिरते जाता है। तो संसार में जो भी लोग नशा करते हैं उनमें बहुत सारे लक्षण दिखे जाते हैं, बहुत ज्यादा अगर कर ले तो बेहोश भी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ले ले तो बेहोश हो जाता है, नहीं तो बहुत सारी तोड़फोड़ करेगा, बहुत सारे पाप विकर्म क्राइम्स भी इन्फ्लुएंस अंडर इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। पाप जो भी व्यक्ति करता होगा थोड़ा सा नशा तो रहता होगा, थोड़ा बहुत तो नशा रहता है, उस अवस्था में करते हैं, तो ये संसार के लोग हैं वो नशा करने वाले। दूसरा उदाहरण बाबा ने दिया है भक्तों का, भक्तों को भी नशा होता है, कौन सा, उनका अपना नशा होता है, भक्तों को देखा है नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, कैसे परमात्मा प्रेम में खोए हुए होते हैं, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की याद में ऐसे खोए हुए होते हैं कि कुछ भी उनको खबर नहीं होती है, इतने डूबे हुए होते हैं वो भगत।
देवी के भगत, कृष्ण के भगत, राम के भगत, सब धर्मों के अलग अलग धर्मों के अलग अलग संत महापुरुष। नशा था उनको एक अजीब सा, वो अपनी अवस्था में मगन रहते थे, तो ये एक दूसरा नशा। अब यहां बाबा कह रहे हैं तुमको भी ऐसा रूहानी नशा होना चाहिए। वो होगा कब? जब तुम निशाने पर स्थित रहोगे। तो रूहानी नशा जिसको है, ऐसे रूहानी पियक्कड़, स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड सोल्स के क्या लक्षण है? क्या लक्षण है जिसको ये नशा बहुत चढ़ गया है? बेफिक्र बादशाह, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई कारण नहीं, संडे की मुरली से, कल की मुरली से, कोई स्वप्न में भी चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह, बेपरवाह बादशाह। और संतुष्ट, नशा वाला संतुष्ट से भी आगे रहता है थोड़ा। और न्यारे और प्यारे। और किसी चीज में आसक्ति नहीं रहती, एक रस होते हैं, क्योंकि संसार के जो सारे रस है उससे उपराम होते जाते हैं, नहीं तो व्यक्ति रसों में फंसा रहता है। रूप रस स्पर्श शब्द गंध, पांच रस खींचते जाते हैं, इसमें वो ऊपर उठ जाता है। और ऐसे नशे वाले व्यक्ति की निशानी चेहरे चलन से पता चलता है, कल की मुरली से। और कारण निवारण, खजाने से भरपूर। और चलता कैसा है, उठता कैसा है, बाबा कह रहे ना उसको देखो तो पता चलता है, ये न्यारी प्यारी आत्माएं हैं, उनके चलन चेहरे में, उनकी आंख कहीं पर भी नहीं डूबती इस संसार में। ये चाहिए, वो चाहिए, किसी के पास कुछ देखा, ये बहुत अच्छा है, कहां से लिया, ये प्रश्न होता है। दो है क्या, एक्स्ट्रा है क्या, कहीं कुछ देखा, ये अच्छा दिख रहा है, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। आंख डूब जाती है तुरंत छोटी छोटी चीजों में, वस्तुओं में, कपड़ों में, गहनों में, स्थूल चीजों में, ये कहां से मिला। योगी अर्थात जिसकी आंख कहीं ना डूबे, आंखों में वैराग है, कुछ भी नहीं चाहिए यहां का, इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, ना यहां का धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना यहां का पद चाहिए, ना मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना ही किसी की स्तुति, ना एक्नॉलेजमेंट, ना रिकॉग्निशन, यहां का कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था, ऐसी चित्त की दशा योगी की अवस्था है। परम तृप्ति, वो दिखाया है ना, नारद जा रहा है तो एक योगी बैठा हुआ है, तो नारद, वो योगी पूछता है कहां जा रहे हो, नारद कहता है मैं नारायण के पास जा रहा हूं, तो कहता है मेरा एक काम करोगे, नारद कहता है क्या, उनसे पूछना मेरी मुक्ति कब होगी, कितने समय से, कितने जन्मों से तपस्या कर रहा हूं, मेरे सामने तो कितनों की मुक्ति हो गई हो, मेरी नहीं हुई अभी तक, जाओ पूछो नारायण से कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद थोड़ा सा आगे जाता है और वहीं उसी वन में एक दूसरा युवक योगी झूम रहा है, गा रहा है, भगवान की गुणगान कर रहा है, तो नारद खुद उससे पूछता है कि मैं नारायण के पास जा रहा हूं, तुम्हें कुछ पूछना है नारायण से, बोलता मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर भी अगर तुम जा रहे हो तो इतना पूछ लेना कि मेरी मुक्ति कब है। तो नारद जाकर वापस आता है, पहला साधु जो होता है उसको वो पूछता है क्या क्या हुआ, तो वो कहता है अभी और 3 जन्म है, उसके बाद हो सकती है। तो इतना क्रोध आ जाता है उसको, क्रोध से भर जाता है, इतनी तपस्या करने के बाद भी 3 जन्म और,
इससे तो अच्छा होता तपस्या ही छोड़ो, ये फालतू में संसार के इतने अच्छे सुख थे वो सब छोड़कर मैं यहां आ गया। नारद आगे जाते हैं, दूसरा भगत होता है, उसको पूछते हैं कि भगवान, वो पूछता है भगवान ने क्या कहा, तो नारद कहते हैं भगवान ने कहा कि ये जो झाड़ है इस पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म और है, उसके बाद में मुक्ति हो सकती है। तो वो झूमने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, वाह वाह प्रभु की बहुत महिमा गाने लगता है। कहता है देखो प्रभु कितने दयालु है, इस संसार में इतने सारे वृक्ष और इतने सारे वृक्षों के इतने सारे पत्ते, उसमें केवल ये एक झाड़ में जितने पत्ते हैं उसके इतने जन्मों के बाद मेरी मुक्ति होगी, तो उसकी दया अपरंपार है। और दिखाया है जैसे ही वो इस ग्रेटिट्यूड और अहोभाव से झूमने लगता है, तुरंत उसी क्षण उसका शरीर छूट जाता है और वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है एट दैट मोमेंट। तो भगत जो होते हैं उनको ऐसा नशा होता है, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपना ही जीवन में जीते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। वो महाराष्ट्र में संत है गोरा कुंभार, वो अपने ही बच्चे को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है, इतना वो विठल 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 में लगा हुआ है कि उसको पता ही नहीं बच्चा कब आ गया। नशा, क्वांटिटी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सॉल्यूशन अनडाइल्यूटेड, और क्या और दूसरा कुछ नहीं साथ में लेना, और चौथा सबके साथ मिलकर लेना, अर्थात सत्संग, अर्थात ज्ञान चर्चा, अर्थात ज्ञान सभा, भगवान का परिवार। ऐसा परिवार और कहीं मिलेगा? डबल ग्रुप से मुलाकात, सब इकट्ठा हुए हैं यहां पर। तो निश्चय एक है, निशाना उसको बार बार रिवाइज करना, मेरा निशाना क्या है, दिल दर्पण में देखो, क्या करो दिल दर्पण में बारंबार चेकिंग करो। बारंबार शब्द ऐड किया है बाबा ने, बार बार चेक करते रहो, बार बार, जितनी बार, हर दिन हर समय हर प्रतिपल, क्योंकि कुछ ना कुछ विचार रूपी धूल इस दर्पण पर जमा होती जा रही है। विचार भी धूल है, डस्ट ऑफ थॉट्स, ये विचारों की धूल इस दर्पण पर जमा होती जा रही है, कल्पनाओं की धूल इस दर्पण पर जमा होती जा रही है, भावनाओं की धूल इस दर्पण पर जमा होती जा रही है। इसलिए बारंबार क्या करो, चेकिंग करो, चेकिंग करो। गलती हो जाए तो पश्चाताप करो, क्यों हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। एक सूफी संत था, वो हमेशा नमाज के लिए सुबह सुबह उठ जाता था। एक बार वो उठ नहीं पाता है तो नहीं, एक बार उसको उठाने के लिए सुबह सुबह एक आवाज आती है कि उठो उठो, तो वो उठ के देखता है कौन बुला रहा है मुझे, तो वो कुछ कोई तो खड़ा रहता है, कोई छाया है। उसको वह कहता है तुम कौन हो, तो छाया कहती है नहीं नहीं छोड़ो जाने दो, उठ गए ना तुम बस। वो कहता है नहीं मुझे बताओ आप कौन हो, तो वो कहता है मैं इबलिस हूं, इबलिस अर्थात इस्लाम धर्म में शैतान। तो वो कहता है अच्छा शैतान, और मुझे उठाने आया, वो भी नमाज के लिए, मैंने तो सुना है इबलिस और ये जो शैतान होता है धर्म से दूर ले जाता है, अल्लाह से दूर ले जाता है, तुम कैसे आ गए। वो कहता है छोड़ो जाने दो, उठ गए ना। वो कहता है नहीं मुझे बताओ, शैतान और मुझे उठाने आया, वो भी अमृत वेला। वो कहता है कि बहुत समय पहले जब एक बार मैंने तुमको लेट उठाया था सुबह सुबह, तुम इतना रोए थे इतना रोए थे इतना रोए थे कि बात मत पूछो, इतना तुमने पश्चाताप किया था, और उसके बाद तुम एक बार भी नमाज नहीं चुके, इससे तो मेरा बहुत नुकसान हुआ है। इबलिस कहता है
कि जो तुमने किया था उससे मेरा बहुत नुकसान हुआ, और तुमने खुदा से इतनी इबादत की थी, अगर इस बार भी मैं अगर तुमको सुला देता तो मेरा क्या होता, मेरी तो खैर नहीं, वो अल्लाह मेरे साथ क्या करता, इसके लिए मैं खुद ही तुमको उठाने आ गया। तो स्वयं को बार बार चेक करते रहना, दूसरे हमें नहीं बताएंगे और कब तक बताएंगे, हमें खुद ही अपने आप से बात करना है। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, अर्थात स्वयं स्वयं से बात करना। कैसे बात करेंगे, जैसे ये कोई दूसरा व्यक्ति है, खुद ही का नाम लो और खुद से बात करो। खुद ही का नाम लेना और खुद से बात करना, अरे तुम क्या कर रहे हो, हम जो रोल प्ले कर रहे हैं उससे अपने आप को अलग कर देना और अपने आप से बात करना। जैसे तुलसीदास कई जगह आता है, तुलसीदास अपने ही मन से बात करता है, अरे तू क्या कर रहा है, तुझे राम चाहिए या काम, तेरे जीवन का लक्ष्य संसार है या भगवान, तेरा जीवन का लक्ष्य संसार की प्राप्ति है, संसार के सुखों की प्राप्ति है या अतीन्द्रिय सुख। खुद खुद से बात करना, क्या करके, अपना नाम लेकर, अपना नाम जोड़ना और अपने आप से बात करना, जैसे वह वो मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, सेल्फ चेकिंग में ये एक बात आती है, अपने आप को अलग कर देना और बात करना। फिर तुम बारंबार चेकिंग, तो निशाना उसको याद करते रहना, लक्ष्य क्या है, क्यों आए थे यहां पर, किस लिए आए थे यहां पर, क्यों ब्राह्मण बने थे, याद करते रहना। फिर निशाना और नशा, स्वयं को नशे में रखने के लिए, अपनी घोट तो नशा, अर्थात मुझे स्वयं ही नशा करना पड़ेगा, दूसरा आकर नहीं पिलाएगा और दूसरे के पिलाने से चढ़ेगा भी नहीं। क्वालिटी को बढ़ाओ, क्वांटिटी को बढ़ाओ, ग्रुप्स के साथ मिलकर नशा, बिंज, सबके साथ मिलकर नशा, नीट सॉल्यूशन को ढूंढना, कॉन्सेंट्रेटेड बाबा के कहे हुए ऐसे कुछ कुछ महावाक्य होते हैं इसमें, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, उसको वहां से, वो ऐसे ही रखे है, उसको वहां से अलग करना पड़ेगा और उसको फिर सोचना उसके बारे में। गहन उसके ऊपर चिंतन करना तो नशा चढ़ता है, नहीं तो नहीं, नहीं तो ऊपर ऊपर मुरली सुनी पड़ी हो गया, जैसे कल की अव्यक्तवाणी जो चली, सबने सुनी, सबने पढ़ी, सबको डेट पता है, 18 मार्च 2008 की मुरली थी, परंतु इतना पता रहना काफी नहीं है, उसकी गहराई में कितना गए, जो कारण और निवारण कहा उसका कैसे करे कारण को निवारण, वो तो मुरली में बताया नहीं है, खाली बोल दिया है बाबा ने कारण को निवारण करो, पर कैसे, ये चिंतन का विषय है, खाली बोलने से तो नहीं होगा, क्योंकि जीवन में कारण तो आएंगे, परिस्थिति आ गई तो हम सोचेंगे ये क्यों आई, पर बाबा ने कहा ये करो ही नहीं, निवारण करो, कैसे, फिर उसकी अपनी विधि है। संसार में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत सारी दी है, फर्स्ट स्टेप, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करो, क्लियर कट, दुखी नहीं होना है उसको देख देख कर, उसका विस्तार नहीं करो, क्लियर कट उसको डिफाइन करो, सूचना एकत्र करो, ये समस्या है जीवन में, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कठिनाई क्या है, डिफिकल्टी क्या है, सूचना क्या है, तथ्य क्या है, ये सारी बातें हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये फर्स्ट स्टेप है कि ये जीवन में है, ये सारी चीजें,
व्यक्ति यही देख नहीं पाता, इसके लिए उसको सॉल्व भी नहीं कर पाता. फर्स्ट इज क्लैरिफाई द सिचुएशन, एक. दूसरा, थिंक ऑफ द ऑप्शंस, विकल्प क्या क्या है, क्या क्या किया जा सकता है, ए बी सी डी, तीनों में से. फिर फायदे क्या है, नुकसान क्या है, एक एक विकल्प के फायदे नुकसान, फायदे नुकसान. फिर जो प्रॉब्लम है उसकी कोई नेगेटिव साइड है क्या, उसके बारे में भी सोचना. कुछ ऐसी बातें जो उसके परिणाम से हो सकती है. फिर सोचना चैलेंजेस क्या क्या है उसमें. फिर एक्शन प्लान बनाना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका एनालिसिस करना, फिर देखना लूप होल्स, बॉटल नेक्स, कहां कहां गलतियां हुई, और फिर उसको दोबारा करेक्ट करना, अमृत वेले रिवाइज करना प्लान को. ये सारी चीजें हैं जो कारण को निवारण हो, जिससे होगा. कारण 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 कहने से नहीं होगा, ये कारण है इसकी वजह से हुआ, ये परिस्थिति ऐसी थी, ये ऐसा, ये वैसा, ये सब साथी शब्द है, सब दरवाजा बंद कर देंगे, मुक्त नहीं होनेंगे. पहले स्वयं को मुक्त करो, फिर दूसरों को मुक्तिदाता बनो. तो ये सारी विधि है, इसके विषय में और ज्यादा सोचा जा सकता है. तो स्वयं को रूहानी नशे में रखना है. कैसे रखेंगे, निशाने पर स्थित होकर, स्वयं के निशाने को, लक्ष्य को बार बार याद करते रहना है. और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कल भी कही बाबा ने, स्वयं को खजानों से भरते जाना है. चेकिंग यही है कि मेरा कोई भी खजाना वेस्ट ना जाए. और सबसे मुख्य खजाना इस समय है दो, संकल्प और समय. टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सारा टाइम ज्ञान के चिंतन में लगाना है, या योग में, या चिंतन में, या सेवा में. बस व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का संसार, व्यर्थ का प्रपंच, व्यर्थ की भाग दौड़, जिससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है. इसके पहले भी कहा, ही हु गिव्स टू गॉड सेकेंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस. जो भगवान को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखता है, वो उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखता. भगवान अर्थात फर्स्ट, वो और उसका ज्ञान, इसके ऊपर और कुछ नहीं है. उसके नीचे सारा संसार, सारे संबंध, सारे सब कुछ, जीवन, पद, पोजीशन, करियर, सब कुछ, सब नीचे है. फर्स्ट परमात्मा. ठीक है, तो ऐसे स्वयं को रूहानी नशे में स्थित रखना है. ओम शांति.